आप नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में जिस तरह की धांधली देखने को मिल रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने अपनी बातचीत में क्या कहा। मेरठ में, कानपुर में, बुलंदशहर में कई जगहों पे ऐसी ईवीएम्स पाई गई जहां पर कोई भी बटन अगर ईवीएम पे दबाया जा रहा था तो लाइट बीजेपी के कैंडिडेट के सामने जल रही थी। यहाँ हम आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी निकाय चुनाव में धांधली देखने को मिल रही है उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी वोट पाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।